आजकल चेरी का खूब पार्सल आ रहा। सुबह से आप लोगों से मिली नहीं थी, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पिक दिखा दी थी। आज सुबह 5 बजे भोर से हम उठे हैं और अपनी बेटी को छोड़ने के लिए गए थे बनारस। 5 बजे उठे थे, 5:15 बजे मेरा टोटो वाला आ गया था और उसको छोड़ के आ गया। एकदम सन्नाटा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। घर रहती थी तो मम्मी 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 आगे पीछे करती थी, बच्चे थे। अब छोड़ के आए तो मन ही नहीं लग रहा है। हम उसको छोड़ के 2 बजे तक घर आ गए थे। 6 बजे बस खुल गई थी और वहाँ हम लोग 9 बजे उसके घर पे पहुँच गए थे। उसके बाद फिर वहाँ से 1 घंटे में हम चले और यहाँ 2 बजे हम आ गए। तब से मैं लेटी ही थी। चेरी सुबह से काम कर रही थी। हम तो यहाँ नहीं थे लेकिन वो सारा काम की, जैसे बोतल का पानी भरना, डस्टिंग करना, पूरा बेड वेड सब सही करना। हम तो जल्दी जल्दी में चले गए थे और वो अपने दादू को नाश्ता भी दी, नहाई, पूरा बर्तन लगाई, सारा काम वो की। देख के तो तबीयत खुश हो गया एकदम कि चेरी मेरे न रहने पर इतना काम की थी। लेकिन बस वही है कि 2 बजे आए, फिर हम खाना वाना खा के लेट गए तो अभी उठे हैं। कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा, जैसे घर एकदम सूना सूना सा लग रहा है। अभी चाय लेके बैठी हूँ, इस समय 5:30 हो रहा है। चाय लेके बैठी हूँ, अब उठूँगी तो सारा काम करूँगी। जब से आई हूँ तब से 3-4 बार उससे बात हो गया। वो भी कह रही थी कि मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा भी यहाँ नहीं लग रहा, उसका भी नहीं लग रहा है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा सब। शाम को हमको यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। आज मौसम थोड़ा चेंज था, गर्मी नहीं थी। यहाँ तो बारिश नहीं हुई, वहाँ बनारस में बारिश हुई थी और ठंड था। यहाँ पे तो बिल्कुल ठंड नहीं है, वहाँ तो लग रहा था एक स्वेटर हम पहनेंगे, इतनी ठंड थी वहाँ। पहले की रूटीन में अब फिर हम शामिल हो गए, नहीं तो वो भी हेल्प करती थी मेरा, कहीं आना जाना हम लोगों का रहता था। जब मैं छोड़ के आ रही तो बस में बहुत रुलाई आ रही थी मुझे। शादी के 9 साल हो गया लेकिन पता नहीं क्यों लगता है, अभी भी लगता है जैसे। बेटियां तो पराई होती हैं, चाहे हम हो या वो। सभी को मेरा राम राम। बच्चे थे, मेरी बेटी थी तो मैं इतना व्लॉग नहीं बना पाती थी। अब हमारा अब व्लॉग आएगा और सुबह से जैसे मैं दिखाती हूँ वैसे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और ठंड फिर से स्टार्ट हो गया है, आप लोग हमको देख के सोचेंगे ना, लेकिन 2-2, 3-3 गाउन धुला हुआ था नाइटी, तो इसलिए मैं ये पहनी थी। ये बहुत ज़्यादा गर्मी में मैं पहनती हूँ। और ये मैं सुबह का ड्रिंक जो मैं हमेशा जाड़ा गर्मी बरसात में पीती हूँ, इससे हमेशा आपका ये स्टमक बिल्कुल एकदम ठीक रहेगा। हल्का सा गर्म पानी और नींबू है। और ठीक 1 घंटा पहले मैं उठी थी, पूरे घर में झाड़ू हो गया। 4:50 प्याज नींद खुला है, नहीं 4:30 बजे खुल जाता है। पूरे घर में झाड़ू लग गया है। कुछ कपड़ा ऐसा था जो हाथ से धुलना था तो वो भी धुला गया और फ्रेशन अप हो गई, ब्रश कर लिया। अब ये गर्म पानी पी लूं। घर से निकली थी और घर आने तक 2 बजे आई, तब तक 7-8 बार फोन की, दादी आप कहाँ पहुँची, दादी आप कहाँ पहुँची।
उसका मन मेरे बिना नहीं लगता है। क्या आया तुम्हारा? नॉवल। क्या मंगाई थी? नॉवल मंगाए थे एक तो। देखिए चलो पढ़ो स्टोरी हमको बताना। ठीक है। बहुत खुश हो गई ना? रख दो बाबू सब। मेरे घर का ब्रेकफास्ट मशरूम की सब्जी और रोटी, और ये मेरी प्यारी बिटिया रानी, ये तो सैंडो बनिया इन्हें पहने हुए थे। अब गर्मी आ गया ना। एग्जाम के बाद छुट्टी हो गया है, अब ये पढ़ाई कर रही है नॉवेल। नॉवेल का नाम क्या है? A Girl Who Fell Beneath the Sea। अच्छा। देखिए पढ़ो 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 पढ़ो। हम देवरानी जेठानी होली की शॉपिंग करने के लिए निकले। क्या रेट है? 28 रुपया किलो। पतले। हाँ हाँ। आजकल चेरी का खूब पार्सल आ रहा है ना चेरी? क्या आया है मिंत्रा से? क्या मंगाई थी? फाड़ लो, ऐसी कागज हो तो फट ही जाएगा ना। अंदर वाला टी शर्ट आया है। व्हाइट कलर लेना चाहिए था। अच्छा है कलर। देखिए खोल के दिखाओ लड्डू। हम जान बुझ के बहुत बड़ा लिए थे, क्योंकि फिर ओवर साइज में ऐसा ही रहना चाहिए। अरे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, फ्रंट से दिखाओ कैमरे में। ऐसे उठा के दिखाओ। ये लूज मंगवाई ही थी। ये तो बड़ा है। लूज नहीं नहीं, नहीं बड़ा, बड़ा। जाओ पहन के आओ। जाओ। हाँ तो हम जानबूझ के ढीला लिए थे। तुम्हें कैसा लग रहा है शीशे में? मुझे अच्छा लग रहा है। रुको फोटो क्लिक करें। 32 नंबर। 32 नंबर नहीं है, ऐसे ही है। ऐसे ही लिखा है। बाहे पे ढीला है। कमल चेरी के लिए
सूजी का चिल्ला बनाने जा रही हूँ। ये मैं सूजी का चिल्ला बनाने जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, लेकिन ये चेरी खाएंगे, चेरी खाएंगे और जिसका मन होगा खाएगा। तो अभी तो रोटी सब्जी बनेगा ही। तो ये दही है, दही में सूजी, जितना बनना है उतना सूजी डाल देंगे। सूजी मिक्स कर देंगे दही के साथ। फिर ये शिमला मिर्च, मैंने इसमें छोटा छोटा बहुत हो जाता है, देखिए कितना छोटा छोटा हो गया है। शिमला मिर्च डाल देंगे ये। फिर उसके बाद इसी में प्याज और टमाटर, इसमें ये करी लीफ भी थोड़ा सा काट के डाल दूंगी। ये मेरे गमले का फ्रेश करी लीफ है, थोड़ा सा इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद ये टमाटर, इसको ये इसमें मैंने टमाटर और प्याज दोनों कर दिया है। इसमें बहुत महीन महीन हो जाता है। इसको डालने के बाद टेस्ट के हिसाब से नमक, इसको मिक्स करके फिर पानी, थोड़ा सा जीरा भी डालते हैं इसमें। जीरा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो पानी डाल के इसको फिर मिक्स करेंगे। फिर ये पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च मैंने पहले ही डाल दिया था शिमला मिर्च के साथ ही। अब चेरी को खाना है तो इस वजह से हम ज़्यादा तो नहीं डालेंगे, एक ही डाले थे। गाजर मेरे पास है नहीं, गाजर भी डालेंगे तो पूरी वेजिटेबल इसके साथ आ गई। तो ये टेस्टी भी लगता है और फ़ायदा भी करता है। तो ये पूरा मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। इसको छोड़ देंगे अभी, क्योंकि इसको भिंगा दिया है, जब वो उठेगी तब बनाएंगे। अभी तो सो रही हैं और ये अभी ना फूलेगा सूजी, तो थोड़ा सा पानी और ये हो गया। अब इसको छोड़ देंगे ढक के। इसको ढक के इसको छोड़ देंगे। कम से कम आधा घंटा ये फूलेगा तो और अच्छा बनता है चिल्ला। Thank you.
मेरे हस्बैंड के नाश्ते के लिए मैं पम्पकिन की सब्जी बनाने जा रही हूँ। बहुत से लोग उसको कद्दू भी बोलते हैं और हम लोग कोहड़ा भी बोलते हैं। ये कुकर में भी बनाती हूँ और कढ़ाई में भी बना लेती हूँ, दोनों में हम बनाते हैं। तो इसमें हींग और लाल खड़ा मिर्चा, पंचफोरन, हरा मिर्चा भी डालते हैं, कभी कभी लाल भी डालते हैं, और ये पंचफोरन है, ये इसको डाल देंगे, और ये हींग, और इसमें अदरक कद्दूकस करके, क्योंकि मेरे यहाँ खड़ा खड़ा अदरक आएगा तो कोई नहीं खाएगा, ये कद्दूकस किया हुआ अदरक। थोड़ी सी हल्दी और आलू और पम्पकिन, नमक टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा पानी, बस ये कुकर बंद कर देंगे। ये है, अब इसको ढक्कन लगा देंगे। अब इसको थोड़ा हाथ से दबा के तब लगाना पड़ता है ढक्कन। अब ये एक सीटी में हो जाता है। ये कुकर खोल दिया था मैंने, और ये हम लोग पुदीना डालते हैं, थोड़ा सा पुदीना, और खट्टी की जगह पे मैं अमचूर नहीं डालती, मैं नींबू का रस डाल देती हूँ थोड़ा सा, बस। और ये सब्जी बन के तैयार है। नींबू के रस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हम लोग खटाई और अमचूर नहीं डालते। चेरी का ब्रेकफास्ट चिल्ला, वेजिटेबल और सूजी का चिल्ला, और इनका ब्रेकफास्ट कद्दू की सब्जी और पराठा ना।